ओके बच्चे, करियर। वृंदा क्या कहने वाले हो बच्चे? मैम हरियर का करा दो, लिटरेचर हरियर का। का? ओके 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 ओके, तो थोड़ा थोड़ा लिटरेचर सारा ही देख लेते हैं आज हम, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सारा ही देख लेते हैं लिटरेचर। लिटरेचर में बच्चे हमारा उधर जो स्पर्श है उसमें लेसन जो हमारे हैं वो है मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ बड़े भाई साहब, ठीक है? और लेसन है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो डायरी का पन्ना है बेटा। मुझे बता दो प्लीज, लेसन कौन कौन से हैं? डायरी का पन्ना है रवानी। मैम इस बार आपने कहा है बड़े भाई साहब आएगा, तुम तारा व मीरो की आएगा चैप्टर, और अब हाँ कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले हैं। ओके, तो सेंचेन में से कोई लेसन नहीं है, हरियर काका भी नहीं है, यस ना? मैम, लिखवाया तो नहीं है ओके आपने। ओके वृंदा, वृंदा रिमेम्बर दिस थिंग बच्चे, इस बार केवल 3 लेसन है इस टर्म में, वो है बड़े भाई साहब, ततारा व मीरो, और अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। तो अकॉर्डिंग टू वृंदा विच लेसन शुड बी स्टार्ट? हरिहर काका तो अब गया, वो तो अगले टर्म के लिए गया हरिहर काका। मैम बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, तो बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब हैं, उनसे उम्र में 5 साल बड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बड़े भाई साहब के साथ कक्षा में आता जा रहा है। बड़े भाई साहब से काफी छोटी क्लास में है, पर बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं, वो हर बार पास हो जाता है ना? उसका पास होने का कारण ये है कि बड़े भाई साहब, पहले तो बड़े भाई साहब की क्वालिटीज हम देखते हैं कि बड़े भाई साहब की क्वालिटीज हैं, बड़े भाई साहब की गुण है कि वो उपदेश देने की कला में बहुत निपुण है। पढ़ने में तो ऐसे हैं कि किताबी कीड़ा, किताब सामने ले लेकर बैठे रहते हैं और कभी किताब पे कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, वो कुछ कभी कुछ शब्द लिखना शुरू कर देते हैं, तो उनका शब्द रूप ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है कि उन्होंने लिखा क्या है, पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। यानी जस्ट टाइम पास करते हैं, हम ये नहीं कहीं भी लिखेंगे, पर हमें क्वेश्चंस आने भी एमसीक्यूज में है, ठीक है? कितने बड़े थे ये अंतर हमें प्रॉपर पता होना चाहिए, कौन कौन की क्लास में थे, कौन कौन सी क्लास में थे, और लकीली वी आर हैविंग पैराग्राफ, सीन पैसेज आना है इसका, तो सीन पैसेज जो पैसेज होगा उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे, बड़े भाई साहब हर समय किताबें लेकर बैठे रहते थे पर पढ़ते नहीं थे, ठीक है? उनके लिए पढ़ाई एक हवा थी ना, उन्होंने शिक्षा पे व्यंग्य किया है कि विक्रमादित्य, अगर मतलब इतिहास में विक्रमादित्य नाम रखा है तो विक्रमादित्य ही नाम रखे गए, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य तृतीय। तो कहते मुझसे पूछ लेते तो मैं कितने सारे नाम बता देता, है ना? उस समय लोगों को नाम नहीं पता थे क्या? ओके, ये उन्होंने पढ़ाई के लिए व्यंग्य किया है, उन्होंने पढ़ाई के लिए उस चीज का भी व्यंग्य किया है, उन्होंने पढ़ाई में इस चीज का भी व्यंग्य किया है कि कैसे कैसे बेटे निबंध लिखने को कहा जाता है, समय की उपयोगिता पे निबंध लिखो, पर संक्षिप्त निबंध लिखो, लेकिन 4-5 पेज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो बड़े भाई साहब में उन्होंने ये भी बताया, बड़े भाई साहब में इस तरह उन्होंने पढ़ाई का बताया कि अंग्रेजी काफी मुश्किल लैंग्वेज है, तुम तो मेरी कक्षा में आओगे तो पता चलेगा कि रटते हुए जान निकल जाती है, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। फिर आगे जाके उन्होंने बड़े भाई साहब ने, जब वो सारे, क्योंकि प्रेमचंद पास होते जाते, बड़े भाई साहब फेल होते जाते, जब सारे उनकी वो खत्म हो गए उनके सारे हथियार, तो उन्होंने हथियार क्या लिया, रावण का हथियार लिया, कि वो भी बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन उसका अभिमान भी टूटा, उसका अहंकार भी टूटा, उसे भी महीप कहा जाता था, उसे सारे कर देते थे सारे लोग, यानी उसे काफी इज्जत दी जाती थी, लेकिन चक्रवर्ती राजा उसे भी नहीं कहा जाता था क्योंकि वो अभिमानी था। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि हेडमास्टर जी को ले लो, हमारे स्कूल के हेडमास्टर दे लो। वो कहते हैं, बड़े भाई सब कहते हैं कि देखो कितने पढ़े लिखे हैं, पर अपना घर चलाना पड़ता है तो बस उनकी बस हो जाती है ना? उनसे घर का खर्चा बैलेंस नहीं होता, यानी खर्च ज्यादा हो जाता है और इनकम कम होती है। तो क्या हुआ, बड़े भाई साहब ने बताया कि जब से हेडमास्टर जी की मदर आई है ना, उनके हाथ में आए, क्योंकि वो
एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस्ड को हम कहेंगे कि वो उनसे बड़ी हैं, उतनी ही कुशल हैं उनसे, ठीक है, इसलिए वो जो काम करती हैं बड़ी निपुणता से करती हैं। एक और उदाहरण दी उन्होंने कि अगर आप और हम में से कोई बीमार हो जाए तो हम लोगों के हाथों पैरों पे आ जाएगी, लेकिन वही अगर हमारे पिताजी सामने हो तो पिताजी ने तो बिना पूछे हमें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है, घबराना नहीं है, किसी और को नहीं बुलाना। यानी ये है उम्र की, उम्र में बड़े होने का लाभ, ठीक है। तो बड़े भाई साहब ने कहा कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, बड़ा रहूंगा, अनुभव में तुमसे श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ रहूंगा, मेरे से तुम बड़े नहीं हो सकते, मेरे से आगे निकल जाओ पढ़ाई में तब भी मुझसे बड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो बड़े भाई साहब हर सॉरी छोटे भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी हर बार अपना टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन हर बार टाइम टेबल की बात दूर जाती, अर्थात टाइम टेबल में खेल कूद के लिए तो समय ही नहीं रखते, और बाहर से ठंडी ठंडी हवा गेंद उन्हें पुकारती है ना, उसकी तरफ देखते ही वो अपना सारा टाइम टेबल चौपट करके खेलने भाग जाते। दिस वॉज होल अबाउट बड़े भाई साहब। हाँ, एक चीज और इसमें बताई गई है कि बच्चे, हर विद्यार्थी, हर बच्चे के मन में एक बचपन होता है। बड़े भाई साहब अपना बचपन तिरोहित करते जा रहे थे, अपना बचपन सेक्रीफाइस कर रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी पे, उसके कारण, केवल उनके लिए एक उदाहरण सेट करने के कारण वो खुद नहीं खेलते थे, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि बड़ा भाई, छोटा भाई तो पढ़ के आगे निकलता जा रहा है, तो उन्होंने भी अपना बचपन बाहर निकाला और एक दिन पतंग लूटने में उसके साथ सम्मिलित हो गए, है। तो बड़े भाई साहब की क्वालिटी, बेटे एक तो अध्ययनशील बहुत थे, दूसरा उपदेश देने की कला में बहुत निपुण थे, तीसरा ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि लेखक हताश हो जाता। फिर उसके बाद और बताया है उन्होंने कि उन्होंने सॉरी उनसे उम्र में बड़े थे, तो उन्होंने बताया कि अनुभव ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। उदाहरण दिया कि मैंने सफेद, हमारे पिताजी ने बाल सफेद धूप में नहीं किए, उम्र के हिसाब से हुए, यानी जो उम्र में बड़ा होता है वो अनुभव में बड़ा होता है, वो कुशल होता है, ठीक है। ये सारा कुछ इन्होंने लेसन में बताया। दूसरा लेसन है ततारा ममी रो, बहुत बार कर चुके हैं, लव स्टोरी है, दो एंगल्स हैं, एक लड़का ततारा एक लड़की वामीरो, दोनों अलग अलग गांवों के हैं और उनमें दो अलग अलग गांवों के लोगों में विवाहित संबंध नहीं होते, इसलिए दोनों एक दूसरे से बचते हैं कि संबंध ना ही बनाया जाए, लेकिन प्यार कभी भी कुछ और नहीं देखता। दोनों मिलते हैं, कोई बात नहीं करते, कोई कस्में नहीं खाते, कोई वादे नहीं करते, लेकिन भीतर ही भीतर, आंखों ही आंखों में समर्पण चलता जा रहा है, ठीक है। एक दूसरे को समर्पित होते जा रहे हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों एक ही समय पे दोनों एक समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। फिर आगे इस लेसन में पशु पर्व का वर्णन किया गया है। पशु पर्व में पशुओं की पशुओं से प्रतियोगिता और पशुओं के साथ इंसानों का शक्ति प्रदर्शन भी किया जाता है और बाद में भोज होता है। ततारा की तलवार में दैवीय शक्ति थी ऐसा माना जाता है, लेकिन उसने अपनी तलवार का कभी उपयोग नहीं किया था, लेकिन पाठ के अंत में उसने उस तलवार का उपयोग किया, वो लकड़ी की होने के बावजूद उसने द्वीप के ही दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। अंत में ततारा भी मारा गया और वमीरो भी पागल हो गई और मारी गई, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद दोनों गांव में आपसी संबंध होने लगे। दिस इज द लेसन, ठीक है। थर्ड है लेसन, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोग अब नहीं है। वी आर हैविंग फोर एग्जाम्पल इन दिस लेसन। नंबर वन इज सुलेमान। सुलेमान एक बादशाह था, कोई मंत्री नहीं था, कोई राही नहीं था, कुछ नहीं था, वो एक बादशाह था, वो जीव जंतुओं की भाषा को समझता था। बेटा एक बार वह अपना लश्कर लेकर जंगल में जा रहा था कि वहां से चींटियों का काफिला निकल रहा था, चींटियों की आवाज उसने सुनी, चींटियां आपस में कह रही थी जल्दी जल्दी भाग लो, घोड़ों की डाकों की आवाज आ रही है, नहीं तो कुछ ले जाओगे। जब उसने इस तरह की वार्तालाप सुनी तो उसने अपने लश्कर को वहीं रोक दिया और चींटियों से कहा कि
मैं भक्षक नहीं हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं रुक गया, तुम यहां से जा सकती हो। वृंदा आप यूनिफॉर्म में बैठे हैं बेटे, स्कूल आए थे आप? अच्छा आना है, जाना है बेटे, ठीक है बेटी, आ जाते तो यहाँ क्लास में मेरे पास बैठ जाते अभी। ओके, तो आगे वो बता रहे हैं कि वो उसने चींटियों को कहा कि तुम यहाँ से सुरक्षित जा सकती हो, हम रुक जाते हैं, तो चींटियां वहां से सुरक्षित चली गई। अगला उदाहरण है कवि शेख अयाज के पिता का, जो कि नहाकर आए, वहां से आकर खाना खाने बैठने लगे, तो अपनी उनकी पत्नी ने खाना परोसा तो उठ खड़े हुए खाने से, तो पत्नी ने पूछा कि तो आप खाना छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक बेघर को उसके घर पहुंचाने जा रहा हूँ, यानी उनकी बाजू पे एक च्योंटा रेंग रहा था, उन्होंने कहा मैं इसे कुएं से लाया हूं, अब मैं इसे कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, अब कहाँ ऐसे दुखों में दुखी होने वाले लोग। तीसरा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने नूह का, नूह नाम के पैगंबर एक बार कुत्ते को छी गंदे कुत्ते कह दिया, तो कुत्ते ने आगे से जवाब दिया ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूं और ना ही आप अपनी मर्जी से इंसान बने हैं, जब मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी तो पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा कुत्ता कौन है इंसान कौन है। ठीक है, इतना सुनकर नूह जीवन भर रोते रहे, जीवन भर इसी दुख में इसी पश्चाताप में रोते रहे कि मैंने किसी जीव को गंदा क्यों कहा। चौथा एग्जाम्पल दिया है लेखक ने अपने माताजी का, एक बार कबूतर ने घोंसले में दो अंडे दिए, एक अंडे को बिल्ली ने गिरा दिया, तो उन्होंने उचक कर दूसरे अंडे को ठीक करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके हाथ से वो अंडा भी टूट गया। उन्होंने कबूतरों को इधर उधर बेचैन होते फड़फड़ाते हुए देखा तो उनका मन दुखी हो गया, उन्होंने पूरे दिन के लिए रोजा रखा और अपनी भूल को माफ करने के लिए खुदा से निवेदन किया। ठीक है, पूरा दिन भूखी प्यासी रही। उसके बाद लेखक ने बताया है कि ग्वालियर से मुंबई आते हुए या मुंबई से ग्वालियर आते हुए उसने इतना बदलाव देखा है कि पेड़ पौधे सब काटे जा चुके हैं, पेड़ पौधे काटने से क्या हुआ बेटा, पशु पक्षियों के घर छिन गए, हम पेड़ पौधे काट के आबादियां बसाते जा रहे हैं, है ना, समुद्र को हमने पीछे धक्का मारना शुरू कर दिया है, यानी धकेलते जा रहे हैं समुद्र को, हम अपनी बस्तियां बनाते जा रहे हैं। तो कहते जो जितना बड़ा होता है ना वो उतना सहनशील होता है, समुद्र ने हमें कुछ नहीं कहा, बिना किनारे के आराम से बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा व्यक्ति गुस्सा करता है तो तहस नहस कर देता है। समुद्र ने भी अपनी लहरों से तीन जहाजों को तोड़ के तहस नहस कर दिया, एक बांद्रा में वर्ली में, एक और पता नहीं कहाँ, एक और पता नहीं कहाँ, तीनों की हमें पैराग्राफ में दिया होगा तो पता कर ही लेंगे कहाँ कहाँ है, हमें कौन सा अनसीन आना है सीन आना है, तो तीनों जहाजों को ऐसा तोड़ा कि दोबारा कोशिश के उन्हें नहीं बनाया जा सका। ठीक है, तो उसके बाद उसने कहा है कि पहले लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे, है ना, और इकट्ठे रहते थे, संयुक्त परिवारों में रहते थे, अब लोग अकेले रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं और डिब्बे जैसे घरों में उनका घर सिमट कर रह गया है। क्या हुआ है इस पर्यावरण प्रदूषण का कारण, मौसम चक्र बदलने लगा है, गर्मी में बहुत अधिक गर्मी, सर्दी में बहुत अधिक सर्दी, बरसात में बहुत अधिक बरसात, जिसे काबू करना मुश्किल हो जाता है, मौसम चक्र बदलना शुरू हो गया है, उसका नतीजा ये हो गया है। ठीक है जी, उसके बाद लेखक ने बताया कि जहां वो आ गया है वर्सोवा में, वहां पे उसके घर में आसपास भी पक्षी आने शुरू हो गए, घोंसला बनाना शुरू हो गए, उसके बुक्स के रूम में पक्षियों ने डेरा लगाना शुरू कर दिया, तो उसकी पत्नी ने क्या किया, उस बुक्स की विंडो में जाली लगा दी ताकि पक्षी अंदर आ ही ना सके। हम आजकल ऐसा करते हैं, जानवरों को उनका घर बनाने देने से रोकते हैं, ठीक है, इससे कि उनका आश्रय छिन जाता है। दिस वॉज होल अबाउट दिस लेसन, अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले।
ठीक है बच्चे, यही तीन लेसन थे, कविताएं देखे, कवि कबीर, मीरा, और तीसरा मीरा कबीर, और तीसरी कौन सी है, दो ही है, कबीर और मीरा पुराने कवि हैं। वेरी गुड, कबीर जी के 11 दोहे हैं शायद, 11 है ना, 11 है ना, तो लास्ट दोहा तो मुझे याद है, लिया मुराड़ा हाथ अब घर जालो तास का जो चले हमारे साथ, हम घर जाले अपना, घर जलाने का अर्थ मोह माया छोड़ दी, ठीक है, मोह माया से बंधन छोड़ दिया। आपको भी बहुत देर बाहर रहने के बाद होता है ना, हाय घर चलिए, हाय घर चलिए, घर से मोह छोड़ दिया, यानी उन्होंने मोह माया छोड़ दी। हम घर जाले अपना, लिया मुराड़ा हाथ, जलती हुई लकड़ी हाथ में लेके, मैंने तो खुद ही घर जला दिया। जलती हुई लकड़ी का मतलब खुद ही आग लगाई अपने घर को, यानी अपना मोह माया का बंधन मैंने खुद कॉन्शियसली तोड़ा है। अब घर जालो तास का, अब उसका घर भी जला दूंगा मैं जो मेरे साथ इस रास्ते पे चलेगा। किस रास्ते की बात की है उन्होंने, भक्ति के रास्ते से, भक्ति को, भगवान की प्राप्ति भक्ति के रास्ते पे, जो मेरे साथ चलेगा मैं उसका भी घर जला दूंगा, साथ उसका भी मोह माया मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, फिर है एक के आखर पीप का पढ़े सो पंडित हुए, है ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ बयाना पंडित हुए, एक के आखिर पीप का पढ़े सो पंडित हुए, पोथियां पढ़ पढ़ के, ग्रंथ पढ़ पढ़ के सारी उम्र हम बिता देते हैं, है ना। हमारे पेरेंट्स भी हमें भक्ति करने को कहते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा जी का प्रकाश करो, मंदिर जायो, जल चढ़ायो शिवा पे, शिव पे, है ना। तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, किताबें पढ़ पढ़ के हम ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं पर ज्ञानी नहीं बन पाते। असली ज्ञानी तो वो है जिसने प्यार का एक अक्षर पढ़ लिया, एक अक्षर प्यार का समझ लिया, वो समझो ज्ञानी बन गया। अब प्यार हमें वैर करने से रोकता है, प्यार हमें सबकी मदद करने को कहता है, प्यार हमें सबको अपने जैसा समझने को कहता है। ठीक है, एक के आखर पीव का, एक अक्षर प्यार का अगर समझ लिया ना, पीव मीन्स प्यार, प्रेम, पढ़े सो पंडित हुए, वो पंडित बन जाता है। ठीक है, और कोई दोहा बेटे मुझे याद करवाइए, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके दोहा याद करवाइए, मुझे बताइए। निंदक नेड़ा राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह, ये है, मुझे भी नहीं याद। और बताइए कौन कौन सा दोहा है बच्चे, पता नहीं किसके पास बुक है किसके पास नहीं है, इन चारों में से तो कोई जवाब नहीं दे रहा। चलिए बेटा मीरा कर लेते हैं, उतनी देर में कबीर जी के दोहे अगर याद नहीं आ रहे तो मीरा कर लेते हैं। मीरा में कवि कवित्री ने कहा है कि हे श्री कृष्ण, कवित्री उलाहना दे रही है पहले पैराग्राफ में, पहले पद में उलाहना दे रही है, शिकायत कर रही है, कहती है तुमने इतने इतने लोगों के दुख दूर किए, मेरा दुख क्यों नहीं दूर करते, मुझे मेरा दुख क्यों नहीं दूर करते। अब मीरा से पूछा जाए कि मीरा को दुख क्या है, मीरा को सबसे बड़ा दुख है, क्या दुख है, कि उसे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे, वो प्रभु के दर्शन की प्यासी है। ठीक है, तो उसने एग्जाम्पल दिए हैं कि आपने सफेद हाथी को मगरमच्छ से बचाया, आपने द्रौपदी की लाज रखी, आपने द्रौपदी का चीर बढ़ा कर उसकी इज्जत रखी, आपने नरसिंह का रूप धारण करके अपने भक्त प्रहलाद को बचाया, तो फिर मीरा कहती है मेरे लिए क्यों नहीं, मेरे लिए आप क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में मीरा चाहती है, पहले में उलाहना दे रही है, प्रेम करती है, दूसरे पैराग्राफ में मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण उसे दर्शन दे, उनकी सेविका बन जाए। ठीक है, उनकी सेविका बन के बाग लगाना चाहती है, महल बनाना चाहती है, बहुत सारी खिड़कियां रखना चाहती है महल में, और बाग बनाना चाहती है ताकि श्री कृष्ण उस बाग में सैर करें और हर समय उसे श्री कृष्ण के दर्शन हो। ठीक है, बाग बनाना चाहती है। अब मीरा चाहती है कि तीनों में उसका फायदा है,
तीनों चीजों में फायदा है, भक्ति का भाव रखेगी। क्या था वो लाइन, क्या थी, तीनों बातें सरसी, भाव भक्ति जागीर पासियों, तीनों बातें सरसी, है ना, सिमरन पासियों करची। पहली लाइन क्या है, पहली लाइन है कि वो प्रभु के भक्ति करेगी तो दर्शन पाएगी, है ना, फिर सिमरन करेगी तो ऐसा धन प्राप्त होगा जो जन्मों जन्मों तक चलेगा, और भक्ति की भावना मन में रखेगी तो उसे तीनों लोकों का राज्य प्राप्त हो जाएगा। तीनों में ही उसी का फायदा है, ठीक है। सेविका बनना चाहती है, दर्शन पाना चाहती है, बाग बनाना चाहती है। फिर उसके बाद उसने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन भी किया है, वैजंती माला, एक फूल की माला पहनी हुई है, ठीक है, होठों पे उनके मुरली लगी हुई है, ठीक है, गायें चराते हुए नजर आते हैं, मोहन सुंदर रूप है उनका, पीले वस्त्र धारण किए हुए, ये रूप का वर्णन किया है, ठीक है। दिस वॉज होल अबाउट मीरा एंड कबीर। कबीर जी के दोहे अगर मेरे सामने हो तो मैं आपको ज्यादा बता सकती हूँ, आप में से कोई भी अनम्यूट नहीं है तो आप पूछेंगे भी नहीं। चलिए देन, सोके आपको भी स्कूल आना है, ठीक है, तो गुड बाय, जितना किया है, ओके।